ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सीधे हाथ पे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचे और आप वीडियो का आनंद ले पाएं और वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर पाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर संपर्क करें, कुंडली विश्लेषण के लिए, ठीक है, या ज्योतिषीय जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करें अगर आपको कोई सवाल है। आज का विषय है मंगल ग्रह से संबंधित। मंगल ग्रह से संबंधित, मंगल ग्रह की विशेष जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। ज्योतिषीय अनुसार मंगल जो ग्रह है वो ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंगल का अंक ज्योतिष में जो अंक आता है वो 9 है। मंगल की प्रधानता से आपका पराक्रम, आपकी भूमि, आपका साहस, आपका स्वर, आपके भाई देखे जाते हैं। मंगल के जो जुड़ी हुई राशियां हैं वो हैं, मंगल की मुख्य राशि है मेष और उसके बाद में वृश्चिक, ठीक है। मंगल अग्नि तत्व पे ग्रह माना जाता है और मंगल जो है मैं वो क्या बोलते हैं आपके मकर राशि में, मकर राशि यानी कि जो शनि की साधारण राशि है वहां जाके ये उच्च का हो जाता है, और जबकि कर्क राशि में आने के बाद ये नीच का हो जाता है। मंगल देव के जो नक्षत्र हैं वो है मृगशिरा और चित्रा, और घनिष्ठा नक्षत्र में भी इनके चरण हैं। तो मंगल जो है, मंगल अपने आप में एक बहुत ही बलशाली ग्रह है। मंगल अगर किसी की कुंडली के अंदर उचित अवस्था में नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर निराशा, आत्मविश्वास की कमी होती है। मंगल के अंदर एक खास बात और है, अगर आपका अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो आप नकारात्मक कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मंगल जो है कुंडली के अंदर अगर लगन में बैठा है, यानी प्रथम भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है और आपके अष्टम भाव में बैठा है या द्वादश भाव में बैठा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जो है आपकी कुंडली में मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। मांगलिक दोष उत्पन्न करने के बाद में आपका जो दाम्पत्य जीवन है कहीं ना कहीं वहाँ स्थिति उसकी गड़बड़ रहती है। ऐसी स्थिति में मंगल दोष की शांति करवाना चाहिए, मंगल पूजा पाठ करवाना चाहिए जिससे ये दिक्कतें जो है आपकी खत्म हो जाएं। मंगल का जो प्रभावित लगन होता है तो उसका जो चेहरा होता है वो तेजो जैसा चेहरा होता है, मतलब उसका चेहरे पे तेज होता है, और मंगल से प्रभावित चेहरे पे एकदम जिसको बोलते हैं आत्मबल झलकता हुआ होता है। मंगल से प्रभावित कुंडली के जो लोग होते हैं वो उनका जो थोड़ा स्वभाव होता है वो क्रोधी टाइप का होता है। ऐसे जातक जो है, जैसे मान लिया आपके सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ठीक है, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, यहाँ पर अपना पराक्रम बहुत उच्च लेवल तक दिखाता है। मंगल अगर कुंडली के अंदर पीड़ित व्यक्ति को तो रक्त से संबंधित, कुष्ठ से संबंधित, खुजली से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित, अल्सर से संबंधित, ट्यूबर से संबंधित, कैंसर से संबंधित, फोड़े फुंसर से संबंधित, या ज्वार जिसको बोलते हैं बुखार से संबंधित जो है रोग आपको उत्पन्न हो जाते हैं। और मंगल का जो कार्य क्षेत्र है वो है सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रिक्स संबंधित जो कार्य हैं, इंजीनियर, स्पोर्ट्स आदि। मंगल का जो उत्पादन है तो वो जो उत्पादक जो चीज़ें हैं जो उसके क्षेत्र में आती हैं वो है आपका, जैसे मसूर की दाल हो गई, और आपके जो है बॉडी में यानी आपके शरीर में गर्मी देने वाले वस्त्र हो गए, ठीक है। एक वस्त्र साधारण होते हैं जो हम लोग पहनते हैं, एक जो गर्मी देते हैं। अचल संपत्ति हो गई, विद्युत उत्पादन हो गए, ठीक है, तांबे की वस्तुएं हो गई, ये चीज़ें हैं। अब मंगल के स्थान कहाँ कहाँ होते हैं, आर्मी कैंप, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड स्टेशन, युद्ध आदि के क्षेत्र। और जो है मंगल की जो जड़ मानी जाती है वो है अनंत मूल जड़। मंगल का जो रतन है वो मूंगा है।
मंगल का जो रुद्राक्ष है वो तीन मुखी रुद्राक्ष है, मंगल का जो यंत्र है वो है मंगल यंत्र है, और मंगल का जो मुख रंग है वो आपका लाल है। मंगल को शुद्ध करने के लिए, मंगल को अच्छा करने के लिए, मंगल को अपने अनुकूल करने के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ गड़बड़ है, स्थिति मंगल से बन रही है, तो मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी जी यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े जो लड़के हैं उनकी आप पूजन कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं नारंगी स्वरूप में। मंगला गौरी माता की पूजा आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा आप कर सकते हैं। माता बगलामुखी की भी पूजा कर सकते हैं नकारात्मक मंगल को सही करने के लिए। मंगल का जो मंत्र है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मंत्र है, ओम भौम भौमाय नमः। उसके बाद में मंगल का एक और मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः। ये भी मंगल का जो है मुख्य मंत्रों में से आता है। तो ये मंगल से संबंधित जो विशेष जानकारी थी जो मैंने आपसे उपस्थित करवाई आपके सामने। अब मंगल के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल जो है कुंडली के अंदर, मंगल अगर आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है, जैसे आपकी जो कुंडली है वो धनु लगन की है, मीन लगन की है, या आपके सिंह लगन की है, ठीक है, या मेष और वृश्चिक लगन की है, यानी आपकी कुंडली में अगर मंगल योग कारक ग्रह है और उसका बल अच्छा है, वो अच्छे स्थान पर स्थित है और अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, और उसके एक घर पहले और एक घर बाद जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर कोई नकारात्मक ग्रह नहीं है जिससे वो पाप करकरी योग में नहीं है और उसका अंश बल अच्छा है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को चुटकी में हल कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल किसी प्रकार से कमजोर है तो ऐसी अवस्था में, और किसी पापक ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ी है, तो ऐसी अवस्था में दुर्घटना होना, दुर्घटना में ब्लीडिंग होना यानी कि खून अत्यधिक मात्रा में बहना, ये स्थिति बन जाती है। और कभी कभी कुंडली के अंदर अगर मंगल का अंश बल कमजोर है, मंगल सिर्फ नाम मात्र के लिए उपस्थित है, यानी कि उनका जो अंश बल है 29, 27, 29, 30 के आसपास है या 1, 2, 3 के आसपास है, तो अंश बल उनका कमजोर होने के कारण ऐसे व्यक्ति, और संग में अगर कहीं चंद्रमा और सूर्य भी की भी स्थिति कुंडली के अंदर अगर कमजोर पाई जाती है, तो ऐसी अवस्था में